सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुवाया में किया गया वृक्षारोपण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वृक्षारोपण किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र पाल ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जो वर्षा कराने में सहायक होते हैं और वातावरण भी स्वच्छ रहता है। इस समय वैसे भी बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय पेड़ लगाने से पेड़ अच्छी तरह से जल्द ही तैयार हो जाएंगे। पेड़ों से सभी को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग कम होती है और फलदार वृक्षों से मौसम के अनुसार मौसमी फल भी प्राप्त होते हैं। सभी लोग मिलजुल कर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ और उनकी देखभाल भी करें, जिससे कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हम सभी को मिलती रहे। डॉक्टर साहब, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुवाया में जो है वृक्ष लगाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? वृक्ष इसलिए लगाए गए हैं, एक तो बरसात का सीजन हो गया है, इस समय वृक्षों का अच्छे से चल जाते हैं। दूसरे, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वृक्षों से ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अच्छी मिलेगी। और एक वृक्ष अपने जीवन में बहुत ऑक्सीजन देता है, जिसकी कीमत बहुत ही अथाह कीमत है। ताकि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करें तथा ऑक्सीजन व उससे मिलने वाले फलों का लाभ उठाएं। कितने लोग मौजूद रहे? लगभग 6-7 चिकित्सक व चीफ फार्मासिस्ट वार्ड बॉय व अन्य स्टाफ मौजूद रहा, स्टाफ नर्स। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।